नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। रीट भर्ती 2021 को लेकर आप सबके लिए दोस्तों बहुत बड़ी खबर दोस्तों निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, दोबारा आपकी जो भर्ती है आयोजित करने को लेकर दोस्तों काफ़ी सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि सर ये भर्ती है दोबारा कराई जाए, क्योंकि ये भर्ती परीक्षा है दोस्तों काफ़ी जगह से लीक हुई है, दम है तो पेपर निरस्त करने को बोले हैं डॉक्टर सर। जी हाँ दोस्तों, रीट का विरोध और सीबीआई जांच की मांग कर रहे भाजपा नेताओं सोमवार को एक बार फिर से शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के हमला बोला। बालिका दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में डोटासरा ने कहा कि रीट परीक्षा जो है अच्छी हो गई है, भाजपा के नेता परीक्षा निरस्त करने की मांग का ड्रामा और हो हल्ला कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये आपको नहीं भूलना कि जो परीक्षा है दोस्तों पेपर है वो पहले ही लीक हो गया था। रीट पेपर लीक मास्टरमाइंड जो है नरेगा में जेईएन है। जी हाँ दोस्तों, जो पृथ्वी राज है वो जेईएन है दोस्तों, इसने ही आपका जो पेपर लीक किया था दोस्तों। 40 लाख में रीट का पेपर खरीदा था, फिर पेपर को दूसरे आरोपी बत्तीलाल को 5 से 10 लाख रुपए में बेचा। मामले में अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी जगह पर ये पेपर दोस्तों लीक हुआ है। जालौर से पेपर लीक हुआ था, सॉल्व होने के लिए जयपुर पहुंचा था। जी हाँ दोस्तों, ये पेपर सॉल्व भी हुआ है। इसके बाद जो पेपर के साथ दोस्तों आंसर की भी आई है, गुर्जर की थड़ी स्थित एक कोचिंग में सॉल्व हुआ था पेपर। जी हाँ दोस्तों, गुर्जर की थड़ी के नाम से एक कोचिंग है दोस्तों वहाँ पर, गुर्जर की थड़ी पर, और वह कोचिंग पर ही दोस्तों ये पूरा पेपर सॉल्व किया गया था। जालौर से होकर ये पेपर दोस्तों जयपुर पहुँचा था, जयपुर में इस पेपर को सॉल्व किया गया, आंसर की बनाई गई। इसके बाद दोस्तों जो पेपर है वो बांटा गया था दोस्तों। इसके साथ काफ़ी सारे डमी स्टूडेंट को भी गिरफ्तार किया गया है, और बयान लाल ने पृथ्वी राज को 3:45 बजे व्हाट्सएप पर भेजा था पेपर। जी हाँ दोस्तों, 3:45 पर रात को ये व्हाट्सएप पर पेपर भेज दिया गया था दोस्तों। सभी जगह पेपर पहले से ही आ गया था, यानी कि पेपर 9 बजे आयोजित हुआ था, जबकि दोस्तों पेपर है वो 3 बजे ही आ गया था, तो आराम से समय मिल गया था, सभी ने पेपर हल कर लिया था। तो अब दोस्तों सरकार ये भी नहीं बोल सकती कि पेपर लीक नहीं हुआ है, पेपर दोस्तों लीक हुआ है। हाईकोर्ट में इसको लेकर सुनवाई भी की गई है दोस्तों, गंगापुर हाईकोर्ट में पेशी की गई थी, और आरोपियों ने बताया है कि उन्होंने पेपर है वो लीक किया था। अब सरकार है वो ये नहीं बता सकती है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, पेपर तो आपका लीक हुआ है दोस्तों, और पेपर द्वारा कराना चाहिए, क्योंकि जो होशियार स्टूडेंट है वो तो द्वारा से नंबर ला सकते हैं, लेकिन जो पेपर लीक हुआ है उनका क्या होगा। इसको लेकर दोस्तों बत्तीलाल कांग्रेस का पंजीकृत कार्यकर्ता, जाँच सीबीआई से हो। जी हाँ दोस्तों, सीबीआई से जाँच कराई जाए। इसको लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संदीप पुनिया ने कहा है कि यह सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया है कि ये पेपर है वो लीक हुआ है, इसे द्वारा कराया जाना चाहिए और इसकी सीबीआई जांच भी होनी चाहिए। अब देखना होगा दोस्तों क्या निर्णय आता है रीट भर्ती परीक्षा के पेपर को द्वारा कराने को लेकर। हालांकि दोस्तों अभी सरकार पर भी दबाव बना हुआ है, क्योंकि पेपर लीक हुआ है। जय हिंद, वंदे मातरम।